रिसेंटली कुछ हफ्तों ही पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आईसर पुणे इनका जो काम है इंस्टेंट ऑक्सीजन जनरेशन का वो कवर किया था। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए ये एक ऐसी चीज थी जो एक इमरजेंसीज में यूज करनी थी क्योंकि इंडिया का ऑक्सीजन जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। तो कभी अगर ट्रक टाइम पे नहीं पहुंचता तो ये यूज कर सकते हैं, वो इंटेंशन था। पर जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ने जाता था हमेशा हमेशा हर जगह भाई बस लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बातें कर रहे हैं। सर इलेक्ट्रोलिसिस इससे अच्छा है, ये क्या कर रहे हो सर, इससे अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर लेते, आई हैव अ बेटर मेथड, मेरे पास बेटर मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस गैंग ने पूरा कब्जा कर लिया था कमेंट सेक्शन का। इलेक्ट्रोलिसिस गैंग और उनके गैंग मेंबर्स बुली कर रहे थे मेरे, बहुत दर्द हुआ मेरे को, बहुत ज्यादा दर्द। आई होप आपको स्क्रीन के ऊपर लाइव इमेज दिख रहा है मेरे दर्द का, ये फोटोशॉप नहीं है, प्रॉमिस ये फोटोशॉप। आज हम इलेक्ट्रोलिसिस गैंग का धंधा बंद करें, आज थोड़ा एग्रेसिव गरीब साइंटिस्ट मिलेगा आपको, तो बस चलिए जान। इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम बात करने जाए, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये इलेक्ट्रो और लिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ब्रेकडाउन करना, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। अब हम यहाँ स्पेसिफिकली जो कमेंट्स आ रहे थे वो थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करना और फिर वो ऑक्सीजन यूज करना, ऐसे उनका कहना था। अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, पानी के अंदर हम दो इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है, वो पानी एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी होगा, मतलब NaOH या मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऐसे कुछ में से कुछ तो एक मिक्स होगा उसमें से, ताकि वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बने। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हमें हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे यानी नेगेटिव पार्ट पे और ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे पॉजिटिव साइड पे। अभी ये ब्रेकडाउन या ये रिएक्शन ऐसा है कि हमें डबल हाइड्रोजन मिलेगा, और मतलब अगर 1 लीटर ऑक्सीजन बन रहा है तो 2 लीटर हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी आप देख ही सकते हो वहां पे भी स्क्रीन के ऊपर आपके दिख रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस। अभी कहां दिखता है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में, कुछ रिकॉल कर सकते हो अगर आप ओल्ड फॉलोअर हो तो, सही पहचाना, इसरो के GSLV के क्रायोजेनिक स्टेजेस में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वहां फ्यूल एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। क्यों? ऐसे ही यूज करते हैं वो लोग, उनको ऐसे मजा आया ये चूज करते वक्त, कॉइन टॉस करके चूज किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या इंकी पिंकी पोंकी करके। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मस्त जलता है और उसे आप कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन का एनवायरमेंट दो फिर तो भाई गजब, तो अंगार है। तो जब ये जो एक्सपेरिमेंट दिखा रहे यूट्यूब के ऊपर जहां वो इलेक्ट्रोलिसिस बॉक्सेस अपने बेडरूम में लेके बैठे हो, भाई तुम बॉम्ब लेके बैठे हो वहां पे, कुछ भी दिखाते हैं, मतलब बहुत फ्लेमेबल चीज हाइड्रोजन है ही, प्लस अब कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन उस साथ में दे दो फिर तो भाई क्या ही, मतलब क्या कर रहे हो तुम। ये बताया ऐसे, ये सेम सिचुएशन हुआ अगर आप बेडरूम में ऐसे LPG गैस खुला रख के छोड़ दो, बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है अगर आप ढंग से कंट्रोल ना करो तो। और ये जो DIY एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को थोड़ी पता है, और लोग अगर उन्हें पता नहीं है कि पॉजिटिव साइड से ऑक्सीजन आना है और अगर वो नेगेटिव इनहेल करने लगे तो हाइड्रोजन इनहेल करने लगे तो यही मतलब सेंस ही नहीं करता है फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस जो जब भी एक्सपेरिमेंट्स है जो भी करते हैं वो ऐसे वेल वेंटिलेटेड एरिया या बाहर ही कर लेते हैं काफी लोग। अरे अरे इलेक्ट्रोलिसिस गैंग कहां जा रहे हो, इधर 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 दूर मत जाओ, इधर नजदीक। अगला पॉइंट बाकी है, अभी आते हैं वॉल्यूम के ऊपर, मतलब कितना ही ऑक्सीजन आप प्रोड्यूस कर लो। अगर हम अज्यूम करें सप्लाई ऑफ 50 एम्पियर तो करीब 0.18 लीटर्स पर मिनट हमें मिल सकता है ऑक्सीजन। अभी ऑब्वियसली डिपेंड करता है सर्फेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड वगैरह वगैरह बहुत चीजें है, पर करीब 0.18 लीटर्स पर मिनट मतलब एक मिनट में 0.18 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा आपको। आपको बताएं हम एक सांस में जो तुमने अभी ली एक सांस में कितनी हवा लेते हैं, आधे लीटर से भी ज्यादा। तो हमारा ऑक्सीजन या जो भी एयर रिक्वायरमेंट है वो करीब 5 to 7 लीटर्स पर मिनट है, 5 to 7 लीटर्स। और जो पेशेंट्स है उनके तो और भी ज्यादा होते हैं, और एक्सट्रीम एनवायरमेंट से 40 लीटर्स पर मिनट तक जा सकता है अगर वो एकदम क्रिटिकल वगैरह है तो, फुल 100% ऑक्सीजन पे जा रहे हैं तो। उस केस में FiO2 रेशो वगैरह आता है पर उसमें नहीं जाते। अब तुम मेरे को बोलो तुम्हारे 0.18 लीटर्स का मैं करूँ क्या, मैं एक सांस इतने ऑक्सीजन बनाने को तुम 4-5 मिनट लगा दोगे। शर्म तब आती है जब मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े कॉलेजेस वीडियोस डाल रहे हैं और न्यूज़पेपर वाले मीडिया वाले उनके साथ वीडियो बना रहे हैं कि ये देखो इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन सेपरेट किया, और अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो इतने स्लोली ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब इसके एक सांस के इतने ऑक्सीजन बनने तक भाई 4-5-6 मिनट हो जाएंगे। अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में बोलेगा कि भाई ऐसे स्लो होता है तो ठीक है स्टोर कर सकते हो, क्या स्टोर कर सकते हो, स्टोर करने के लिए आपको पहले कंप्रेशन स्टेज लगेगा और फिर इतने लो इतने स्लो सप्लाई से आप क्या करोगे, आपको एम्पियरेज बनाना पड़ेगा, वो फिर क्या मतलब क्या ही कंट्रोल
कंट्रोल उदय सेंस नहीं करता है रे कुछ भी क्या ही चल रहा है मतलब इलेक्ट्रोलिसिस सेंस नहीं करता है इसलिए इंडस्ट्रीज में नहीं यूज होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे जो यूज होता है वो जियोलाइट बेस्ड वो मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में ऑफकोर्स इसके एफिशिएंट वेज है जैसे पेम बेस्ड मेम्ब्रेन वगैरह जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन का यूज होता है बट अगेन वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑलरेडी सॉर्टेड है ऑक्सीजन के लिए हमें इमरजेंसी के लिए कुछ छोटा पोर्टेबल सिस्टम की बात कर रहे थे तो बस ये सेंस नहीं करता है मतलब तो देख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोलिसिस गैंग रोने लगा है एक मिनट हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैंग तुम किस बात पे हंस रहे हो तुम्हारे गैंग मेंबर्स को कुछ सेकंड में देखता हूँ तुम रुको अभी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस गैंग से हो तो एक एक लाइन में से सॉरी लिख देना कमेंट सेक्शन में मैं सबको तो इट्स ओके नहीं बोल सकता तो अभी मैं स्क्रीन पे इट्स ओके दिखा देता हूँ खुश रहो तुम लोग टेंशन मत लो दादा अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैंग ठीक है माफ किया मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया टेंशन मत हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैंग का पॉइंट था कि हम डायरेक्टली H2O2 क्यों नहीं यूज कर सकते अगर आपने मेरा रिएक्शन देखा है नहीं है तो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ पहले हम हाइड्रोजन पर कार्बोनेट लेते हैं उसे पानी में डालते हैं फिर KOH वगैरह डाल के हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है हमें और फिर वो यूज होता है तो प्रॉब्लम ये है कि हाँ कमेंट ये था कि सर यहाँ हमारे फार्मेसी में मिलता है अवेलेबिलिटी अच्छी H2O2 देखो फर्स्ट थिंग तो दो प्रॉब्लम यहाँ पे जस्ट बिकॉज तुम्हारे फार्मेसी में चार बॉटल मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों बॉटल मिलते हैं पूरे देश में करेक्ट आपकी फार्मेसी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है स्केल की पूरे इंडिया के लिए करेक्ट तो ये ऐसे कमेंट्स का कुछ पॉइंट नहीं है सेकेंडली कॉन्सेंट्रेशन का इश्यूज आ जाते हैं जो फार्मेसीज में मिलते हैं लो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और हाई कॉन्सेंट्रेटेड सेफ नहीं है बहुत टॉक्सिक हो जाती है अगर आप इनहेल करने वगैरह जाओ तो बहुत एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है H2O तो वही प्रॉब्लम है और उनका मेन पॉइंट सोडियम पर कार्बोनेट यूज करने का यही था कि बहुत बहुत चीपली और वाइडली अवेलेबल है तो वो स्केल कर सकते हैं जब हम पूरे देश की बात करते हैं ना तो कोई प्रोटोटाइप या कोई मेडिकल या कोई शॉप से खरीदी चीज को लेके पूरा देश पे कंक्लूजन नहीं डाल सकते हम स्केल की जब बात करते तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो पूरे देश में हो इजीली अवेलेबल हो और सस्ती हो तो बस यही रीजन है कि वो लोगों ने डायरेक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करना चूज नहीं किया बट आपका पॉइंट कंप्लीटली इनवैलिड नहीं है अगर हो सके तो वो मोस्ट एफिशिएंट होगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करे पर अगेन वो सेफ्टी इश्यूज वगैरह आ जाते हैं और मेडिकल डिवाइसेस में वो सब फिर प्रॉब्लम हो जाता है तो वही है बस आई होप आपको ये फन सा एग्रेसिव सा वीडियो पसंद आया मुझे बताया बहुत लोग स्पेस के ऊपर वीडियोस मांग रहे हैं सब आएगा टाइम पे अकेला हूँ जॉब भी करता हूँ तो होता नहीं है सब ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी जय हिंद जय भारत स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल बुटला चैतन्य जयम शर्मा रोहित सुवर्ण हरमन संघा नारायण प्रसाद सुमित रामडाले हिमांशु शंकर गौरव बजाज गगनदीप भाटिया सिद्धार्थ कृष्णन सचिन यादव कुशवी मेहता आकाश पटेल तन्मय देशपांडे स्वदेशी क्वांटम संगणक विक्रम वर्मा अभिषेक श्रीवास्तव